हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो दिस इज़ अवर 17th नंबर वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th नंबर टेंस, दैट इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस. दिस इज़ अवर फर्स्ट वीडियो ऑन फ्यूचर टेंस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ वी कैन आइडेंटिफाई टेंस इन द गिवन सेंटेंस. सो देयर इज टू ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस. इफ द गिवन सेंटेंस इज इन हिंदी, then see the ending of the sentence. If the given Hindi sentence ends with the ga, agar Hindi ka jo sentence hai uske ending hoti hai ga se, it means that is your future simple tense. ab is ga ke sath aapko koi sa bhi jo matra hai wo aapko added mil sakti hai, to jo bhi ho agar ga se ending hai to wo aapka future simple tense ka sentence rahega. if the given sentence is in English, then find the helping verb and main verb in the given sentence. if there you find out will otherwise sail with main verb first form, that will be your future simple tense. here will or sail is the helping verb of the sentence. will and sail is the helping verb in the given sentence if we have. so in two methods we can identify the tense of the given sentence. now the second point is use of helping verb. in this tense we have two types of helping verb, one is will and second is shall. to ab kahan par apne ko will ka use karna hai aur kahan par shall ka use karna hai, so let's see. to kaun si helping verb use hogi, iska jo decision hai wo lena hota hai subject ko. अगर गिवन सब्जेक्ट आई एंड वी, अगर गिवन जो सब्जेक्ट है, इफ द गिवन सब्जेक्ट इज आई अदरवाइज वी, दैट इज योअर फर्स्ट पर्सन. दीज आर योअर फर्स्ट पर्सन. इफ द गिवन सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज सेल. अगर गिवन आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि आई या वी है, अगर ये आपको गिवन हो तो आप उनके साथ सेल का यूज करेंगे. बाकी जो फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की वो तो आपको यूज करना ही होगा. इफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इट मींस आइदर इट विल बी अ नाउन और प्रोनाउन. इफ द प्रोनाउन देन सी द प्रोनाउन. अगर प्रोनाउन अगर आपका है तो प्रोनाउन में आपको देखना है, अगर यू हुआ तो आप विल का यूज करें, ही हुआ तो भी विल है, शी अगर यूज है तो भी विल है, इट के साथ भी विल का यूज होगा एंड वी विल यूज दे. ठीक है, हम दे के साथ भी विल का ही यूज करते हैं सेंटेंस में. अब वही अगर मेन वर्ब की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ ऑलवेज आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंटेंस की. देखिए बेसिकली हम इन ईच जो अपना टॉपिक है या जो भी वीडियोज है उस वीडियो के अंदर हम थ्री टाइप्स के सेंटेंस को मेनली डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं. तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बार बार हमने डिस्कस किया है कि वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से फॉर्म होता है. तो यहाँ पर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो स्टार्टिंग इसके सब्जेक्ट से होती है एंड इसकी जो एंडिंग होगी वो आपको फुल स्टॉप से करना रहेगा. अब यहाँ पर एंडिंग के अदर देन अपने को अगर सेंटेंस में देखना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन सा मेन वर्ब अपने को यूज करना है, तो फ्यूचर सिंपल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर विल और सेल का मैं यूज करता हूँ सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव केस में, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरे को मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा. देन ऑब्जेक्ट और एंडिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप. अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक सेंटेंस राइट करूँ अफर्मेटिव का, तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा. देखिए अगर अफर्मेटिव का मैं सेंटेंस राइट करूँ, आई शैल teach you, second he will teach you, third Raman will teach you. देखिए यहाँ पर थ्री टाइप्स के सेंटेंस हमने राइट किए हैं और थ्री टाइप्स के सेंटेंस बेसिकली यहाँ पर अफर्मेटिव है, क्योंकि उनकी बिगनिंग सब्जेक्ट से होती है और एंडिंग उनकी फुल स्टॉप से है. फर्स्ट अगर सेंटेंस आप देखो तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो आई है,
तो अगर गिवन सब्जेक्ट आपका आई हो तो अपने को हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करना होगा, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस जो है वो सेल से राइट किया है। इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी वर्ब की, जो वर्ब टीच है वो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो हम सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जिससे अपने को एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर सेंस अपने को देना होता है। सेकंड अगर एग्जांपल हम देखें या सेंटेंस हम देखें तो ही विल टीच यू, यहाँ पर देखो फर्स्ट में हमने सेल का यूज किया, सेकंड में हमने हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया। इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट यूज किया वो अदर देन आई और वी है, मतलब वो फर्स्ट पर्सन नहीं है। यहाँ पर मैंने जो सब्जेक्ट यूज किया वो ही है, और ही के साथ सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी फ्यूचर सिंपल में वो विल यूज होगी, तो यहाँ पर मैंने विल का यूज किया। और आगे का सेंटेंस था वो सेम है टीच यू। इसके अदर देन थर्ड अगर एग्जांपल आप देखो तो यहाँ पर रमन जो है वो एक नेमो पर्सन है, और नेमो पर्सन ही अपना नाउन होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो एक नाउन है, और अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का ऊपर नाउन है तो अपने को वहाँ पर नाउन के साथ भी विल का ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैंने विल का यूज किया, बाकी टीच यू सेम आपकी मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के रोल प्ले करते हैं। तो ये बात तो अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव सेंटेंस का आप पार्ट देखो तो नेगेटिव सेंटेंस भी ठीक अफर्मेटिव की जैसे ही होता है। अगर इसमें हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस है तो नेगेटिव सेंस देने के लिए हम नोट का यूज करते हैं सेंटेंस में, जिसका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने को करना होता है। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट विल या सेल, देन नॉट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव सेंस का सेंटेंस फॉर्म करूँ अगर इन्हीं एग्जाम्पल से या इन्हीं सेंटेंस से, तो आई सेल नॉट टीच यू He will not teach you Raman will not teach you। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही हमने नेगेटिव सेंटेंस राइट किया, अगर दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज के अंदर आप कंपेयर करें तो इन कंपेरिजन यू विल फाइंड ओनली नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट टू चेंज द मीन ऑफ द सेंटेंस इन द इन टू द नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस के अंदर अपने को सेंटेंस में एक सेंस देने के लिए नॉट का यूज हमने किया है। अगर इंटोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो ये वैसे जैसा कि इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो यहाँ पर विल और सेल से हमने स्टार्टिंग की, देन यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। इसी इंटोगेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसके बेसिस पे अगर मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंस राइट करना चाहूँ, जैसे फर्स्ट की हेल्पिंग वर्ब है शेल, तो मैं हेल्पिंग वर्ब से अपना इंटोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ। अब शेल के साथ मुझे सब्जेक्ट यूज करना होगा, तो वाले सेंटेंस में से आई और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अदर देन जो कुछ भी वर्ड्स होते हैं उनको एज इट इज़ फॉर्म में अपने को अरेंज करना है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क अपने को यूज करना ही है। तो शेल आई टीच यू सेकेंड है, विल ही टीच यू एंड थर्ड इज विल रमन टीच यू। तो ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना, स्टार्टिंग हमने हेल्पिंग वर्ब से की और एंड ऑफ द सेंटेंस हमने यूज किया क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हम क्लियरली सेंटेंस राइट भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि जो गिवन सेंटेंस है आपका वो बेसिकली कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो ये बात हुई आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस की। इसके अलावा अगर इस सेंटेंस के अंदर आप इस टेंस के अंदर अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक वर्ड या टाइम एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना हो सकता है। और ये वर्ड या जो टाइम एडवर्ब्स है ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स या एडवर्ब्स है जो टाइम को आइडेंटिफाई कराते हैं, टाइम एडवर्ब्स उनको बोल सकते हैं, या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टाइम के लिए यूज होते हैं। ये कौन कौन से होगा, जैसे अगर सेंटेंस में टुमारो वर्ड यूज हुआ तो वो टुमारो से फॉर्म जो भी सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर सिंपल का होगा। टुमारो के बाद जैसे नेक्स्ट और नेक्स्ट के बाद अगर कोई भी आपको टाइम देते जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ,
तो नेक्स्ट प्लस टाइम का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आपका फ्यूचर सिंपल को ही बताएगा। इसके अलावा अगर इनके साथ कोई फ्यूचर टाइम आपको गिवन हो, फ्यूचर टाइम इज जैसे अभी 2021 जो ईयर है वो अपना कंटिन्यू है, अगर मैं 22 की बात करूँ, 2022 आने वाला जो ईयर अपना नेक्स्ट ईयर, उसके अगर उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ और उसके पहले अगर मैंने इनका यूज किया हो, तो ऐसा जो सेंटेंस होगा जिसमें इन प्लस फ्यूचर टाइम की बात की गई होगी, तो ये जो थ्री टाइप्स से जो वर्ड्स हमने राइट किए हैं या टाइम एडवर्ब्स हमने राइट किए, अगर इनका यूज सेंटेंस के अंदर हुआ होगा तो आपको वो सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। अब जैसे इसी में अगर मैं उनमें से कोई भी एक वर्ड यूज करना चाहूँ, तो आई शैल टीच यू और मैंने यहाँ पर लास्ट में टाइम एडवर्ब यूज कर दिया टुमारो, तो ये टुमारो वर्ड यूज होते ही इट मीन्स अगर मैंने टुमारो वर्ड यूज किया तो यहाँ पर मुझे फिर अपना सेंटेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल का ही बनाना होगा। अगर मैं टुमारो वर्ड यूज़ नहीं करता तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में कुछ भी चेंज करता या जो भी मैं चेंज करता उसके बेसिस पे मैं टेंस में चेंज कर सकता था, लेकिन टुमारो वर्ड के यूज होने के बाद अब मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता कि टुमारो तो मैंने सेंटेंस में यूज किया है और टुमारो के यूज करने के बाद अब मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को चेंज करूँ, नहीं। अगर टुमारो यूज हुआ है तो ऑलवेज आपको जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का राइट करना होगा। तो ऐसे इन टाइम एडवर्ब्स या वर्ड्स के बेसिस पर भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि अपना फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस बन के आएगा। थैंक यू।